उसके बाद सिद्धू का हम फैसला कर पाए हैं। और मैं तो मुशक्कत मैंने इसलिए भी कहा कि वक्त बहुत थोड़ा था और थोड़े वक्त में इतनी बड़ी जमात के लिए आसान नहीं था कि हम फौरन फैसले कर देते, उस वजह से दौड़ धूप बहुत करना पड़ गई। लेकिन खुदा के फल से हम पूरी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर पाए हैं और उम्मीद ये है कि नतज अच्छे बरामद होंगे। कोशिश हमारी ये है कि कोई मुस्तकम सियासी हुकूमत कायम हो सके। दो चार सीटों पर हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आई है, मगर बामी अकामत तीन के कारकुनों के साथ उसको भी हमने हल किया है। एक दो मकाम पर जैसे हमारे लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं, वहाँ मुकामी जो सियासत है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो उस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत थी, मगर उसको भी हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ हो गई है, कुछ हो रही है, उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा। एक पहलू तो उसका ये था, मगर ये तो क्योंकि फौरी जरूरत की बात है इसलिए कहना पड़ी है। ये जो राजीव के राजीव गांधी के कत्ल से एक अच्छा खासा खला पैदा हुआ है हिंदुस्तान की सियासत में और उसकी वजह से सारे खत्ते पर उसके असर आप मुरतब होंगे। और अभी जो सोलार्ज ने बयान दिया है, मैंने खुद तो नहीं पढ़ा लेकिन शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो बड़ा अफसोसनाक है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए उसमें कम है, तो वो एक जिम्मेदार शख्स है, लेकिन ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान उसने दिया है। वो इसका इल्जाम कतल का गोया बिलवास्ता पाकिस्तान पर देना चाहता है कि सिखों को ट्रेनिंग मिलती है यहाँ, उन्होंने कतल किया जबकि सिखों ने उससे इनकार किया। मगर भारत की क्यादत को मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की जिस राह पर वो चल रहे हैं उसका नतीजा इससे भी खराब हो सकता है। कहीं भी सियासी जमातों में दुश्मनी हो, मुल्कों में दुश्मनी हो, उस दुश्मनी के अक्सर नतज बुरे बरामद होते हैं। अब इस दौर में राजीव के कत्ल के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो क्यादत है, सियासी क्यादत है, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आज होती है कि वो जितना जल्दी हो सके बरतवीर में इस्तेहकाम पैदा करें और सियासत में जो खतरी हो गई है, जो हो जाएगी उसके बाद और होगी, उसको दूर करने की कोशिश करें। वजीर आजम पाकिस्तान का हाल ही में जो उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है, बयान दिया है, वो बड़ा खुशाइंद है और उन्होंने सही बात की, वाज अल्फाज में निशानदेही की है, उसमें कोई अल्फाज को कोई ऐसे मुबन तरीके से नहीं कहा कि जिससे कोई गलत कमी हो। और ये अमर वाकई यही है कि अब इस खत्ते में पायदार अमन तब पैदा हो सकता है कि जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुक बेहतर हों, मुसाहमत पर मबनी हो, अच्छे पड़ोसियों की तरह ताल्लुक हो और एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी की सजा को कम किया जाए, बढ़ाया न जाए, और वो तब हो सकता है कि कश्मीर जैसा बुनियादी मसला जो इंसानी हकूक का मसला है और बैन अवी तौर पर सुकून शुदा मसला है और फिर आज लोग जाने दे रहे हैं जिससे पीछे आने का कोई रास्ता नहीं हो, उस मामले को हल किया जाए। अगर वो हल नहीं होता तो जाहिर है कि
दोनों मुल्कों के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, वो ठीक नहीं हो सकते। जो परेशानी भारतीय क़यादत हमारे लिए पैदा करना चाहती थी वो बदर जहाँ ज्यादा उनके अपने लिए अब पैदा हो गई है। तो इसलिए ये सारे बड़े शरीर के रहने वाले लोगों और खत्ते में रहने वाले लोगों की के लिए परेशानी का बायस है और उनकी तवज्जो चाहता है कि ये हालात दुरुस्त हो। इंतखाबात की बात में कर रहा था, बीच में रह गई कि हमारी भी दिली ख्वाहिश की है कि ये इंतखाबात पूरे अदल व इंसाफ और आज़ादी के साथ हो और इसमें इंतजामिया जो है वो किसी किस्म का कोई सियासी किरदार अदा न करे बल्कि वो इंतजामी किरदार अदा करे, जो उसका फर्ज है वो अदा करे। और जो लोग मारूफ हैं और अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपा नहीं सकते सियासत में मुलव्वस होने की, उनको दूर रखा जाए इस सारे मश से और इस बात को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से भी हमने बारहा कहा है कि इन्हें लगते इंतखाबात को तासुर यही देना चाहिए कि लोगों का जो हुकूमत साजी का हक है उससे महरूम उनको नहीं किया जा रहा है, अदालतनी में यही तासुर पैदा होना चाहिए। अलबत्त अब ये बदस्मृति है कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इंडक्ट हो गई। जब वो इंडक्ट हो गई तो रियासत की जो सियासत है उसमें एक उनसर बाहर से दाखिल हो गया, जिस वजह से सारी सियासत मुतासर होती है। तो लेकिन हमने अपने तौर पर ये कोशिश की है कि सिवाय उस जायज अखलाकी और सियासी ताल्लुक के जो जो नागजीर है और जो मुल्क में रहने की वजह से जो लाजमी है, उसके सवाल कोई और बात ऐसी न की जाए कि जिससे सियासत रियासत की जो सियासत है वो कोई बुरा असर कबूल करे। इसकी हम हमेशा कोशिश करते रहे, अब भी इंशाल्लाह इस कोशिश को हम जारी रखेंगे। इसके अलावा कोई बाकी रहा यह कि वजीर आजम पिछले दिनों हमारी दावत पर उन्होंने वर्किंग कमेटी को एड्रेस किया, तो ये हमारा आज का रिश्ता नहीं है बल्कि ये जैसे जम्मू कश्मीर में इब्तदाई 40 का जो चौथी दहाई है उसमें उसके दौरान से शुरू हुआ, जब से हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग और कांग्रेस बनी तब से ये शुरू हुआ और ये एक नजरियाती ताल्लुक है जो बात हमने बरकरार रखना है। इससे कोई फौरी सियासी गरज मखसूस नहीं है। पर ये प्रोग्राम बहुत देर से बन रहा था, उनका कि वो मौसम कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी को एड्रेस करें मुस्लिम लीग की रहनुमा की हैसियत से। हमने जनाजे साहब के दौरान उनकी कोशिश की थी मगर प्रोग्राम बन नहीं सके, वो आगे पीछे होता रहे प्रोग्राम। मगर इसका बुनियादी मकसद जहां नजरियाती ताल्लुक को उस्तवार रखना है, बरकरार रखना है, वहां इसका ताल्लुक रियासत में चलने वाली तहरीक आज़ादी के साथ ही है कि पाकिस्तान कोई महज तमाशाई नहीं है कि वो बैठा रहेगा, बल्कि पाकिस्तान का एक उनकी एक जिम्मेदारी है, बैन अवी जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है और कश्मीर में जो तहरीक चल रही है उसका रुख मुतयन करने में कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की इसकी बड़ी अपनी खास जिम्मेदारी उस रुख का नजर से भी ये जरूरी है। और वो जिम्मेदारी ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर आज़ाद हो और पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक हो, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। उस रुख का नजर से भी वजीर आजम का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी को खिताब करना जो है वो जरूरी था, बल्कि ये ताल्लुक और ज्यादा गहरा होना चाहिए ताकि उस तहरीक आज़ादी का भी रुख मुतय्यन हो जाए। तहरीक आज़ादी में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही बुनियादी किरदार अदा किया है 40 साल में, यानी अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बीच में न होती तो आज शायद आज़ाद कश्मीर की ये शक्ल ही न होती, ये सारी तब्दील हो गई होती, तो कहां से कहां पहुंच गए होते। तो उस वजह से ठीक है कि इसका शायद हमारे जो शराब रखने वाले भाई हैं सियासत में उनको इससे तो मुनासिब न समझते हों, अच्छा न समझते हों, लेकिन हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि वजीर आजम पाकिस्तान बाकी सियासी रहनुमाओं को भी बुलाएं, बैठें, सबको बुलाएं, बैठें, इकट्ठे बैठें और जो मसाइल मुश्तरक हैं
जिनमें बैठकर कोई इस तरह के अमल या मुआफ़क़त पैदा की जा सकती है वो पैदा करने की कोशिश करें। हमारी तरफ से तो खुले दिल से ये पेशकश हमेशा रही है, किसी दौर में भी हमने नहीं कहा, बल्कि बोटो साहब के ज़माने में भी मैं खुद तजवीज़ करता था कि सियासी रहनुमाओं को आज़ाद कश्मीर के लोगों को बुलाएं। ये हम हमेशा करते रहे, हमने कभी इससे बुखल से काम नहीं लिया, मगर इस बुनियाद पर कोई इत्तेहाम देना हुकूमत पाकिस्तान पर बुनियादी तक तो लगता है कि उसका कोई जवाब नहीं है, वजह नहीं है उसके। बाकी मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों से भी, जमात के कारकुनों से भी खास तौर पर अपील करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन का दौर एंड जो इलेक्शन का दौर है, यही तहरीक आज़ादी कश्मीर में जो बड़े संगीन दौर है, तो इसमें इस बात का लिहाज रखा जाए कि कोई दुश्मनियाँ न पैदा हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा न हो, कोई तल्खी न पैदा हो, तो बल्कि ये इसको ऐसा समझें जैसे कि किसी घर में अहम शादी हो रही हो और सब इंतजाम हो रहे हो तो मातम हो जाए, तो अब दोनों चीज़ों को नहीं रोका जा सकता, वो मातम भी भुगताना पड़ता है और शादी भी भुगताना पड़ती है, तो उस तरीके से इस इलेक्शन को गुजारने की जरूरत है। न ही उस तरह का इलेक्शन है कि जिसको तनहा समझा जाए, और न ये उस तरह का उसके बरक्स है कि इसको तर्क किया जाए, न इसको तर्क किया जा सकता है, न इसको पूरी तरह चलाया जा सकता है, ये दरमियानी रास्ता, और इसका लिहाज हमारे सारे सियासी जमातों को, लीडरों को, कारकुनों को, लोगों को रखना चाहिए, बल्कि हमारा फर्ज है कि हम एजुकेट करें, जो सियासी लीडर हैं, सियासी जमातों के कायदीन हैं, वो अपने लोगों को एजुकेट करें कि भाई ये जिम्मेदारी है जिसको निभाना है, ये तो खुशी की बात नहीं है या कोई मार्ग का अनुसार करना है, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक खला है जिसको पूर्ण करना है, कि खला देर तक रह नहीं सकता। तो बस ये गुजारिश थी जो आपसे इस वक्त करना मकसूद है। जो जाबता अखलाक चीफ इलेक्शन कमीशन तैयार करें, हम आंखें बंद करके उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं, और हम उसको पूरी तरह फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करेंगे। बात यह है कि ये चीज़ उनके इंतखाबी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने नहीं कही, एन इंतखाबात में ये जो बात कही गई है तो इसको इंतखाबी मुहिम का हिस्सा समझा जाना चाहिए। ये इंकशाफ उनको पहले क्यों नहीं याद आया, इससे पहले पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि इसमें खुद बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, बड़ा तजाद है इस बात में। तजाद यह है कि एक तरफ वो मुसलसल इल्ज़ाम देते रहे, जियाउल्लाह के साथ वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं थे, पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थे, और मुसलसल इल्ज़ाम देते रहे कि सिखों की मूवमेंट को जियाउल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलसल इल्ज़ाम देते रहे कि कश्मीर में जो तहरीक हुर्रियत है इसको जियाउल्लाह की हिमायत हासिल है, बल्कि उन्होंने छाप दिया उनके उस फौजी जो रसाला निकलता है उसमें, वो पूरी गुफ्तगू उन्होंने जियाउल्लाह साहब की छापी जो कश्मीर के बारे में उन्होंने जर्नैलों के साथ यहाँ की थी। तो ये बहुत भूंडा तरीका है इंतखाबी मुहिम को चलाने का। तो जियाउल्लाह का दामन बहुत वाज साफ और पाक है, और कोई ऐसी बात नहीं थी जो वो खुफिया तौर पर कर रहे थे, क्योंकि उसका कोई ना कोई कहीं कोई इलम होता। राजीव गांधी को तनहा तो उन्होंने फैसला कर लिया था, अमल दामल करना था, तो किसको ट्रेस उसका कोई निशान तो कहीं होगा ना, जिस तरह उन्होंने जीएसटी जो रिपोर्ट छाप दी थी वो भी छाप दें, पता लग जाए कि वो कहाँ रखा हुआ है। तो ये ऐसी फजूल बात है। तो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है, अब वो जिंदा नहीं है, जब लोग जिंदा होते तो उसका जवाब देते, लेकिन फराइन और वाकत इस चीज की बिल्कुल तब्दील करते हैं। आपने फरमाया कि राजीव गांधी की मौत से क्या पड़ेंगे? ये बिल्कुल पड़ेंगे, बिल्कुल। तहरीक आज़ादी कश्मीर पर मेरे ख्याल में तो अच्छे असरात पड़ने चाहिए, इस लिहाज से ये भी कि उसकी मौत से अच्छे असरात पड़ने चाहिए, तो खुशी की बात नहीं है,
अच्छा साहब, इस नुकसान से पढ़ना चाहिए कि हिंदुस्तान की सियासत अंदरूनी तौर पर जिस इंतजार का शिकार हो रही है उसका तकाजा ये है कि कश्मीर के मसले को अवलियत देकर हल किया जाए, वरना उस इंतजार में और इजाफा होगा। तो उस नुकता नजर से मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के जो दानश्वर हैं वो यकीनन इस बात पर गौर करेंगे और इसको संजीदगी से सोचेंगे कि कश्मीर के मसले पर को हल करने की तरफ पेशरफ्त होनी चाहिए। वरना ये बात देखिए, मेरी बात याद रखें कि हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि अगर ये नहीं किया गया तो हिंदुस्तान के अंदर इंतजार की कैफियत रियाजी के तनासब से नहीं बल्कि शायद जबरदस्ती के तनासब से फैलना शुरू हो जाए। ये आपसे से जो तहरीकें चल रही होती हैं ये कुछ आखिर एकदम उनका जो इज्तमाही असर होता है, मजबूरी असर होता है, वो बहुत बड़े नतज पैदा करता है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ बिहार केवल ये संसद है मौजूदा किसी के इंतबाब जहाँ लोगों में रिपोर्ट जो उससे भी कम वो था और आपके लोकसभा के इंतबात में जरूरत नहीं थी वहाँ कराने की, जबकि आप अगर इंतबात हो रहे हैं और मतलब किसी भी तरीके की आगे कदम उठाने आ रहे हैं तो क्या ऐसा इंदा भी होता है यहाँ अगस्ती के आवाम को बड़ी पुरजोश अंदाज में इंतबात में हिस्सा लेते हैं तो जान लोकाम एजेंसी के नुमाइंदी को इंतबात के दौरान दिखाया जाए यहाँ तक दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए भाई, बात यह है कि बैन अवी एजेंसी को दिखाने की जरूरत वहां पड़ती है जहां नियतों में फतूर होता है। नियतों में फतूर न हो तो बगैर दिखाए भी पता होता है कि इलेक्शन में क्या हुआ है। लोगों को तो खुद पता होता है ना, वोट डालने वालों को। तो इसलिए कोई शक नहीं है इस बात में कि आजाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं और वो इंतखाबात जो है लोग भरपूर हिस्सा लेंगे उसमें, तो कोई शक की बात नहीं। देखो भाई, हुकूमत पाकिस्तान की बात यह है कि वो जो हलके हैं पाकिस्तान में, वाकयात को देखें ना, वाकयात क्या है। ख्याल की बात और है लेकिन वाकयात ये है कि ये जो हलके हैं इनकी गालिब अक्सरियत इन हलकों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर मुश्तमिल है। यानी जो लोग माइग्रेट करके वहां से आए उनमें 99% लोग जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे, वो वाबस्ती अब भी दूसरी पुश्त में चली आ रही है। अब किसी हलके को आप ले लें, वोटों के ब्रेकअप आप देखें तो आप देखेंगे कि वो हलका उसको आप कह सकते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हलका है। तो जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नहीं रहे तो उन हलकों में मतलब पंजाब की हुकूमत भी है नवाज शरीफ उसके चीफ मिनिस्टर थे ना, तो अगर इस तरह का वो जोर लगाते तो पंजाब में कोई एक सीट भी नहीं ले सकता था। वो किसी को कह देते किसी सरकारी मुलाजम को भाई इनका ख्याल रखना तो वो कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे खिलाफ लोग जीते हैं वहां। तो इसलिए ये इल्जाम ठीक नहीं है कि अलबत्ता राठौर साहब ये इल्जाम लगाने में इसलिए हाथ बजाने दें कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी हुई है मरकज में कि वो क्या कर रही थी, तो उनका ख्याल है कि शायद बाकी हुकूमतों भी यही करेंगी, मगर आईए की हुकूमत को ये करने की जरूरत नहीं हो। वो तब जरूर पड़ रही कि वो किसी कमजोर घोड़े पर दाव लगा रहे हो। तो अभी तो आईजीआई बाइसिप आईजीआई शरीक ही नहीं है इंतखाबात में, तो इसलिए ये तो दूरदार बात है और वो अपने जो किया हुआ है ना वो उनको दिखाई देता होगा कि जो कुछ उन्होंने किया था इंतखाबात में बेनजीर साहब की सियासत में वही शायद अब भी होगा, लेकिन वो रक्त नहीं करेंगे यहाँ। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर ना मिला हो तो हमारा ख्याल है कि कम्फर्टेबल, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मैं नहीं कहता लेकिन कम्फर्टेबल मेजॉरिटी इंशाल्लाह हम सिक्योर करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि किसके साथ हमारी कोलिशन होती है, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल हो गई है कोलिशन कोई भी इस लिहाज से कि पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन और वजूहात की वजह से मुश्किल है और लिबरेशन लीग के साथ कोलिशन और वजूहात की वैसे मुझसे दोनों अपनी अपनी जगह हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी उन्होंने। तो देखेंगे उसके बाद क्या शुरू है, तो उसके बाद साथ ही ये निर्णय किया है कि अगर भारत के लिए रहें
इन्होंने सोच क्या करेंगे, सवाल ये है कि इन्फिल्ट्रेशन को रोका क्यों जाए। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को अकवाम मुत्तहिदा ने यह हक दिया है कि वो दोनों तरफ आ जा सकते हैं। हाँ, मैंने सवाल किया, मैं पूछ सकता हूँ क्या, फिर बताइए। मार्च के अखबार रिलीज होंगे, उनका विवाह बनाए पाकिस्तान में, ये वहाँ जो है कश्मीर में जो गड़बड़ हो रही है ये पाकिस्तान सरकार जैसा ऐसा रहता वो भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला कुछ कर रहे हैं, कश्मीरी खुद डर रहे हैं, इकबाल सही जवाब से दूसरा फोर्स नहीं था। अगर आप इतना ही हमें तो मौजूदा जो कश्मीर को यूएनओ की फौज जा सकती है, अगर भारतीय फौज के मुतबादल यूएनओ की फौज भेजी जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन कश्मीर में जो तहरीकें हो रही है ये कहना कि उसको रोका जाए यूएनओ की फौज के जरिए, मतलब ये मैं नहीं कहता, उन्होंने कहा, मैं बात कर रहा हूँ कि कहना ये कहा जाए कि उसको रोका जाएगा तो ये ना यूएनओ की फौज रोक सकती है ना तो और फौज रोक सकती है, क्योंकि ये सरजमीन से उठी है ये तहरीक, ये बाहर से आई नहीं है ये तहरीक। अलबत्त इसमें एक और बात है बड़ी ट्रिकी, ये है कि एक तजवीज ये कहीं से फ्लोट हो रही है कि सारी रियासत जम्मू कश्मीर को 10 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस की तौलियत में दिया जाए। ये तजवीज है जिसकी मैंने जाती तौर पर मुखालफत की है। मैंने कहा ये नहीं, ये देखो भाई, जमात इस्लामी और लिबरेशन फ्रंट क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं इसलिए उनका ये कहना तो सामने आता है, हयात खान का भी कहना सामने आता है इसलिए उनकी एक सीट है वो भी चली जाएगी। तो बाकी जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ के असेंबली में हुकूमत साजी कर रही है वो तो ये सजेस्ट नहीं कर सकते इस पर। हाँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, शरीक है, अगर वो ये समझें कि ऐसी सूरत पैदा हो रही है और सब पार्टियों को बुला के जो पार्टियां मैटर करती हैं उन पार्टियों को बुला के बैठ के बात करें, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए तैयार है नहीं है या होगी या नहीं होगी, और ये कि राठौर साहब के साथ उनकी कोई बात हुई है नहीं हुई है इसका हमें कोई यकीन नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं भाई कि चोर दरवाजे से हुकूमत में दाखिल होने के खाश मंद चोर दरवाजे से बच्चों जो मैंने लत पाया ना उसी पर रहे जी। अब बात ये थी कि वक्त थोड़ा है, वक्त नहीं है। अभी हमने ये फैसला किया है कि मैं सब हलकों में जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये कि एक एक दिन में दो दो तीन तीन हलके के कारकुनों से एडजस्ट करेंगे। जलसों से खिताब करने में तो एक जलसे में एक दिन लग जाता है पूरा, फिर वो बहुत लंबा काम हो जाता है, इस वक्त तो उतना वक्त नहीं है। कारकुनों से जरूर इंशाल्लाह मिलूंगा मैं, जगह जगह सब हलकों में जाऊंगा, घंटा घंटा दो दो घंटे ऐसे करके करेंगे। बड़े जलसों से खिताब करना मुश्किल है इस वक्त। जुलाई के महीने में बस हमने मुफ्ती साहब इससे पहले हम करते रहे कि फर्द को सामने रख के हम उसूल वजह करते रहे। इस दफा हमारा ख्याल ये है कि उसूल को सामने रख के फर्द तलाश करेंगे। उसूल ये है कि मुस्लिम कांग्रेस इलेक्शन जीते पहले, फिर उनकी पार्लियामानी पार्टी जो है वो बैठ के फैसला करे कि कौन होना चाहिए वजीर आजम, और कोई कबल वक्त इस किस्म का कोई हमारे जन्म भी नहीं है और कोई तात्पर्य भी नहीं हम देना चाहते हैं कि कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। मुमकिन है
जो बातें कारकुन आमतौर पर सोचते हैं उनमें से एक भी ना हो, बिल्कुल कोई नई सूरत हाल पैदा हो जाए। इस दफा हम बिल्कुल रिवर्स करना चाहते हैं ऑर्डर। देखिए बात यह है, बात यह शाह जी के हमने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है कि उसूलों को मद्देनजर रखा जाए। मसलन पहला उसूल हमने ये वादा किया कि जो सिटिंग एमएलए हैं तो ऐसे के किसी जगह को खुद छोड़ दे या कारकुन अपने इतिहाद और इत्तेफाक से उसको रिप्लेस करें। इसके सिवा हमने कहा कि सिटिंग एमएलए को टिकट दिया जाए, ये एक उसूली बात तय होगी। फिर हमने कहा कि जो कैंडिडेट पहले से हमारे हार गए थे उनमें से नंबर दो तरजीह है कि देखा जाए कि उनमें से अगर कोई लड़ने की पोजीशन में है, इस वक्त बेहतर पोजीशन में, तो उसको लड़ाया जाए। तीसरा फिर हमने ये देखा कि नए जो लोग हैं उनमें से अगर कुछ लोग इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हैं और हमारे कारकुनों के लिए एक्सेप्टेबल हैं तो उनको किया जाए। तो इस तरह हमने तीन चार उसूलों की बुनियाद पर इसको किया है। एक डिपार्चर हमने जरूर किया है और वो मेरे सिवा कोई कह नहीं सकता, करते तो बहुत हैं लेकिन कहता कोई नहीं है डर के मारे। वो ये है कि हमने पाकिस्तान में रहने वाले अपने कोई मौसर शख्सियात और दोस्तों की सिफारिशों का भी लिहाज रखा है। बस ये बात इतनी होगी। ये हो तो बहुत अच्छा है, रेडियो टेलीविजन पर ये प्रोग्राम चेक आउट किया। लेकिन बात ये है भाई कि सर वो कैंडिडेट का तो मुश्किल है, सरबराहों को नहीं, टीवी ज्यादा मौसर है और रेडियो पर भी होना चाहिए। और इस प्रोग्राम को तरतीब देने में बहुत अच्छी बात है क्योंकि बस थोड़ा है लोगों के पास और इस जरिए से लोग अपने बात पहुंचा सकते हैं लोगों को। अच्छी बात है। आजाद कश्मीर के इलेक्शन से जो तवक्कुआत भी बैन अवी तौर पर हैं उनका दारोमदार इस बात पर है कि नतायज क्या बरामद होते हैं। यानी मसलन जब मैं बैन अवी बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाती है तो उसका एक किस्म का असर होगा, पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती है तो दूसरी किस्म का असर होगा, कोई भी कामयाब नहीं होता तो बिल्कुल तीसरी किस्म का असर होगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि क्या इसका नतीजा इलेक्शन। जी हाँ, मुझे थोड़ा बहुत इल्म है कि हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है लेकिन तशद्दुद के वाकयात को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी सियासी कारकुनों पर खुद होती है। तशद्दुद कहीं भी लोग खुद नहीं करते, सियासी जमातें और सियासी कारकुनों की वजह से होता है। जहां भी हुआ है वो इसी तरह हुआ है तशद्दुद। तो उससे उसी से मैंने अपील की है सबसे कि मेहरबानी करें और तशद्दुद के वाकयात को रोकें, न होने दें। और हुकूमत भी जहां इंतजाम कर सकती है, हुकूमत की मुश्किल ये होती है असल में कि जितने लोग उनको चाहिए इस काम के लिए वो मुयस्सर नहीं आते। जो खास तौर पर जो दूर दराज इलाके जहां तशद्दुद होता है आमतौर पर वहां तादाद कम होती है, जो सिक्योरिटी के जो निज़ाम होते हैं उनकी तादाद कम होती है। अगर वो तादाद पूरी हो मतलब वहां ऐसे जगह जहां खास तौर पर मालूम हो तो वहां अगर फौज के लोग भेज दिए जाए तो उससे वो नहीं होता। जहां फौज के लोग गए हैं बाद जगहों में गए हैं पिछले इलेक्शन में भी तो वहां कुछ नहीं हुआ, आराम से रहे। तो ऐसे अगर जगह हैं कहीं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको पॉइंट आउट करें और वहां अभी से इंतजाम कर रखें, पहले से इंतजाम कर रखें। आप क्यों इतना गौर से पढ़ते रहते हैं मेरे घर? अच्छा तो सही है। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा अलग न किया जाए, मैंने कहा कि वो जब तक अनासर मौजूद रहेंगे तब तंगी पैदा होती रहेंगी। अलग कोई कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि वो माशरे का हिस्सा है और इसी काम पर मामूर है, तो उनको अलग कोई कैसे कर सकता है। या मैंने उससे नहीं, ज्यादातर तो कर्ट की कॉल थी उनकी तरफ से, वो एक अच्छे कहीं बैठे थे
तो एक साहब जब मेरे पास आता तो उन्होंने कहा चलो मैं हम भी चलते हैं इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं। तो वहाँ पर बैठ के गपशप करते रहे और लॉ एंड ऑर्डर जरूर हमने सिंध का डिस्कस किया है, सिंध में क्या हो रहा है, क्या पूछते रहे इन्फॉर्मेशन के तौर पर कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो खबरें हम अखबार आपने पढ़ते हैं। मैं अच्छे से ज्ञानी हूँ तो मेरा ख्याल था शायद मैं किसी खुद ही टूर पर जाऊँ तो उन्होंने कहा बड़े शौक की अपील कराओ हमें बता देना। नहीं तो हम तो क्या उनसे तालुक करेगा, हम कौन को बसी थे आप बैल मुझे मार वाली बात करने वाली बात हमने अभी तक तो नहीं उनको दावत दी। बल्कि उलट ये है भाई कि नवाज शरीफ साहब का प्रोग्राम कितनी दफा बना है मगर इस मखमस्ते की वजह से वो अभी तक नहीं तय नहीं हो पाया। यार लोग प्राइम मिनिस्टर वो आने चाहे तो उनको क्या रोक हो, रोक सकते हैं आने चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हमने कोई दाम कर टिकट बना देने दी सारे बजे तो हमें किसी फर्क नहीं पड़ता हूँ हम बहन जी साहब तो नहीं रहते बिल्कुल सही। ये हम भी हमने भी उनसे शुरू किए हुए हैं कि हमारे भी शरीर में मिसाइल आ करें नहीं इन मामलों पर कोई सलाह नहीं, कोशिश कर रहे हैं वो अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी जगह कोशिश कर रहा हूँ कि जो बता हाल तलब है गया उनको अभी तक कोई चेष्टा नहीं हुई, शायद इस वजह से नहीं हुई कि तरजीहात थोड़ा सा आगे पीछे है और कोई यानी मेरा ख्याल कोई दिलचस्पी कम नहीं है, लेकिन तरजीहात की बात है कि फौरन क्या बताया हल करने से फिर बाद में क्या था। तो उन मसायल पर अभी दो दिन पहले भी मेरी वजीर अमूर कश्मीर से मेरी गुफ्तगू हुई है, बल्कि अभी काउंसिल का जो इजलास होने वाला है उसके बारे में भी मैंने उनको कहा था कि उस इजलास में भी जो मसायल हल करने में उनको जहर बैठ में आया जाएगा। जी बिल्कुल फोन मांगा वजी अजम आजाद के फिल्म में मांगा जी बिल्कुल भाई बंगला गैंग कैब की रायटी सच्ची बात यह है कि बाकी लोगों ने बाद में मांगी है तो ये 70 की हुकूमत के दौरान रॉयल्टी के साथ मुतालिक जो एक हिस्सा था कॉन्ट्रैक्टर्स के शेयर का वो हम वसूल भी कर चुके हैं तो हम उसमें आगे हैं। यानी एक लिहाज से देखा जाए तो हमारा मामला तो बहुत पहले तय होना चाहिए, सेटल होना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उस बारे में, क्यों ये बहुत अच्छा किया और इस पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस बात पर और उनके तकलीफ पहुंचानी चाहिए उनको ताकि वो इस मसले को हल करने में पेशकश कर सकें, और ये अगर नहीं करते तो हिंदुस्तान के लोग गलतफहमी में रहेंगे उसके पता नहीं पाकिस्तान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, क्योंकि उसके बारे में कोई फैलाने वाले लोग बहुत बातें करते हैं। तो उन्हें ये मौका वाजे करके हिंदुस्तान के जो सियासतदान हैं और दानश्वर हैं सबको सब पर एक बात वाजे कर दी है कि अब इस लाइन में सोचा जा सकता है, इस रुख पर सोचा जा सकता है। जरूरी मोबाइल भेजा गया तो उस वक्त को मुझे वजीर साहब का तो पता नहीं, लेकिन मुझे उस वक्त का कोई पता नहीं है और हमने उससे ला ताल्लुकी का इजहार किया था, हमें ये भी पता नहीं है कि उसका क्या मकसद है क्या नहीं है और क्यों भेजा गया है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। वो तो मैं इसका टिका अखबार ला ताल्लुकी का इजहार किया था, पाकिस्तान में अगर बाहर नहीं जा सकते पाकिस्तान के शुरू में तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं जा रही है।
हम तो भाई 5 साल कोशिश करके नाकाम हो गए, तो अब उनको चाहिए था ये कर दे, ये और जो बहनों में फंसे रहे। अब कोई हुकूमत मुस्तकम हुकूमत बनेगी तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। माजिर के हैं मसल कश्मीर को वहाँ सहाफियों में लोगों में डायरेक्टरों में बात करने की जरूरत होती है। ऐसे असल में हमारे सिस्टम ही कोई नहीं इस बात का, हम लोग तो ऐसे ही कैजुअल जिस तरह होता है ना इस तरह करते हैं, तो सिस्टम नहीं है कि बाकायदा एक बामकसद तरीके से बैठ के सिस्टम निकाला जाए, हुकूमत तब्दील हो जाए तभी वो सिस्टम काम करता रहे, ऐसे तो हम बना नहीं सके। ये बहुत इसकी बड़ी अच्छा जरूरत है बिल्कुल। तो आपको सुरखाब के पर लगने चाहिए, सुरखाब नहीं सरियाब, सुरखाब तो वहाँ गए तो वहाँ आपने अस्पताल या डिस्टर मौके पर आपने वहाँ उनसे गाड़ी फराहम करने का वादा फरमाया था, लेकिन वो अभी तक उनको फराहम नहीं हुई है। तो हमारी गवर्नमेंट बनेगी जब से इंशाल्लाह करेंगे तो जब ठीक काम होगी। वहीं पड़े थे अंदर को सही था, बहुत बहुत उन्होंने बड़ा इस्तकबाल बड़ा जलसा किया, बड़ी मुलाकात हुई कभी मैंने बलोचिस्तान में इंटीरियर में दौरा किया है, बल्कि मुझे बलोचिस्तान के साफी कोयटा में जब मिले दौरा करके तो मुझे कहते हैं यार तुमको इधर जगह दें तो तुम यहीं क्यों ना रह जाओ, मकान बन सकते हैं। सबसे बड़ा मसला सामने आया इलेक्शन के हवाले से, वहाँ जो लद्दाख के लोग हैं उन्हें इलेक्शन किया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लोग हम दिलवाती रही है भाई, हमसे महरूम कभी नहीं किए हैं, ये मस्त हमने कभी नहीं किए, वो किसी मुकामी कैंडिडेट ने किया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किससे कोई ताल्लुक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो हमेशा उनको नहीं वहाँ जो उन्होंने कहा कि गालिबन ये क्या बात है हम देते रहे वोट पार्टी तक देते रहे, कैंडिडेट ने भाई अपनी दिलचस्पी से करवाया होगा, उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या पीपल्स पार्टी को बात मुकामी कारकुनों की होती है, कुछ करते रहते हैं अदालत की तरफ से और रजू करना चाहिए, तो 300 वोट है जो वैसे अच्छे खासे में 300-400 वोट पड़ा है क्योंकि पता नहीं उन्होंने कहा कि तुम्हें नोटिफिकेशन हुआ है कि वो कश्मीर में उनको हमारे इलाके जहाँ से ताल्लुक रखते हैं उनको ऐसा डालू, ये भी कुछ कह रहे थे, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि शुमाली इलाका जात के लोगों को आजाद कश्मीर की तरफ से शामिल नहीं किया गया, लद्दाख तो शुमाली इलाके जात तक नहीं, वो 47 से कबल भी नुमाइंदगी जिसने किया है मैं समझता शायद इसी गलतफहमी की बुनियाद पर किया होगा, वो भी शायद सवाल लगा है जी डर से मुझे बिल्कुल डर से मुझे पता नहीं, आइए शायद